अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, आज मैं हूँ गाड़ी में। मैं जा रही हूँ गांव, ठीक है। हम लोग मियाँ चुनू गए हुए थे, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, हम लोग मियाँ चुनू गए हुए थे, ठीक है। मियाँ चुनू का गाँव है जी ये चक 92-15L, ठीक है। और ये उसके पास ही है, लेकिन इतना भी पास नहीं है। खैर 45 मिनट्स तकरीबन लगते हैं। तो ये हम लोग आज सब जा रहे थे वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को मिलने, कुछ और भी काम थे, तो बस इस वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये मेरा छोटू सा कज़न था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही साफ़ सुथरी रोड है, बहुत अच्छी अभी नहीं बनी है, ठीक है। बहुत प्यारी जगह है ये। आगे जी मेरे नाना का घर, गाँव वाला घर, एक मियाँ चन्नू में घर है और एक यहाँ पे माशाल्लाह दो घर हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये नीम का दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त। ये जी मुर्गे सीन मुर्गे हैं, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे मुर्गे, इनको लड़वाया भी जाता है, ठीक है। ये भाग गए जी, भाग दो भाग दो भाग दो, ठीक है। ये मेरी कज़न ले रही है अंधों की तरह झूले, ठीक है। ये मेरा छोटू कज़न है जो कि आपने उस उधर देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं, ऐसे झूले घुमा घुमा के ले रही है, मैं तो कभी इतना तेज़ झूला ना लूँ, ठीक है। ये जी घर है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी नाना अबू का घर है गांव वाला, सामने कमरे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मामू ने खुद काश्त किए जी तिल, ठीक है। जो वाइट तिल होते हैं नान वगैरह पे लगते हैं, जिसके तिल का तेल निकलता है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये अपनी खुद की काश्त किए हुए हैं, ठीक है। ये आ गया जी तीतर। कुछ लोगों को नहीं पता कि ये तीतर है, ठीक है। ये क्या है? ये एक छोटा सा परिंदा है और ये सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेता है, ठीक है। लेकिन ये वैसे बहुत डरता है, तो इसलिए बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है। और जी अब हम लोग ज़रा बाहर जा रहे थे, ये छोटी छोटी बतखें हैं, ये भी हमारे कुछ रिश्तेदारों ने रखी हुई हैं, ठीक है। बड़ी प्यारी ये घर की मतलब बतख है, ठीक है। ये उन्होंने छोटा सी जगह बनाई हुई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तैर लें। ये पूरी गली जी हमारे अपने ख़ानदान की है, ठीक है। यहाँ पे सारे अपने रिश्तेदारों के घर हैं यहाँ पे। ये जी अब मैं आ गई हूँ बाग वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे मामू लोगों का बाग है, ये सामने पिंजरे, ये पिंजरों में जी कुछ है, ठीक है। इसमें तीतर है, ये शायद आपको नज़र आ जाए, बड़ी कोशिश की है मैंने दिखाने की, वो एक ब्लैक कलर का शायद आपको नज़र आ जाए पिंजरा, पिंजरे में तीतर, ठीक है। ये दूसरी साइड पे भी देखते हैं, दूसरी साइड पे भी शायद कुछ हो, लेकिन शायद ही है कि इसमें कुछ होगा, ठीक है। इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी, ठीक है। ये सामने जी उधर दूर करके भैंसें खड़ी होती हैं। ये पूरी फसलें और सारी ज़मीनें अपनी ही हैं, ठीक है। वो दूर भी भैंसें खड़ी हैं, अपनी भैंसें हैं, ठीक है। ये जी सारा आपको मैंने दिखाया है, घोड़ीपाल मुरब्बा, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है जी कुछ लोगों को, तो ये मेरे मामू लोगों को अलॉट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माल्टों का बाग है और भी काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं माशाल्लाह से। और ये देखें माशाल्लाह जी अपनी घोड़ियाँ, घोड़ी बाल मुरब्बा है ना, बस पास नहीं जा सकती, डर लगता है थोड़ा बहुत। ओए ये देखें, ये उसका बच्चा है शायद, वो अंदर हाँ, चले गया। ये ऊपर सीम बाजू तक वो देखा गई ऊपर, छोटी थी ना। ये देखें जी, ये मेरी कज़न है जो लगी हुई है इसके साथ, ये खुल गई थी और ये इसको पकड़ रही है। बांध दो आप इस बेचारी को यहीं पे। ये कह रही है जैसे छोटी बहन होती है, ए इधर आ, ओए कहाँ गई है, पता नहीं चूहे वगैरह फिर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। बांध दो, लो जी जी बाग के दूसरी साइड पे ही उसी जगह पे ये मज़ारे वगैरह के लिए रखी हुई है जगह, कि वो लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे ये सामने बकरियाँ हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह। ये फिर मेरी दो कज़न जो है ये वहीं पे जा रही है, ठीक है। इसको बहुत शौक है घोड़ी के पास जाने का। प्यारी जगह है, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आता है, ये सारे आप देख सकते हैं सामने, सारा माल्टो का बाग है। यहाँ पे और भी दरख्त वगैरह लगे हैं लेकिन मुझे और किसी का नहीं पता, क्योंकि बचपन से माल्टे ही तोड़ने आते थे यहाँ पे। और वो देखिए जी सामने किसी के कबूतर, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे कबूतर नज़र आ रहे थे, शायद आपको नज़र आ जाएँ, ठीक है। वो भैंसे आ रही हैं जी, ये सारे घर हैं। ज़िंदगी में थोड़े दुख थे और छापा पड़ गया मुझे, ये देखें यहाँ पे फसलें हैं, दुख क्या पड़ा है जी। ये देखें, ये मेरी जूती,
ये मेरी जूती खुल गई। अच्छा खासा मैंने और फिरना था, मुझे आग लगी थी कि मैं पहन लूँ कोई हील वाली जूती। ओए यही गली है ना, देखो ज़रा, मुझे तो अपने गली भी भूल गई हुई है। तो अब हम जा रहे हैं जूती चेंज करने। ओए होए पूरी निकल गई। आ हा हा ये देखो मेरी जूती, आहा क्या कमाल मेरी जूती हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया जूती का। अब अम्मा से मुझे पड़ेंगी प्यारी प्यारी गालाज, ठीक है, ऐसी ऐसी मुझे तुरले मिल रहे हैं अम्मा से, आए हाय चला भी नहीं जा रहा। लो जी ये जूती टूट गई थी, अब ये पहन ली है मैंने, किसी की जूती पता नहीं किसकी पड़ी थी। ये मेरी कज़न ने भी अपनी जूती चेंज कर लिया, उसको भी अपनी जूती का डर पड़ गया, ठीक है। ये जा रहे हैं हम जी अपने, कहाँ जा रहे हैं हम, हाथे, हाँ हम अपने हाथे जा रहे हैं, वहाँ पे ज़रा भैंसों वगैरह को चेक करने जा रहे हैं। ये गाँव है जी, ये सारा गाँव दूर दूर तक, तो फॉलो करें। आना था हमने अंदर, अंदर सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है शायद कोई, तो हमें किसी लड़के ने कहा है वहाँ से कि कुत्ता खुला हुआ है, तो हम लोग कुत्ते से डर के वापस आ गई हैं, ठीक है। अंदर सब कुछ दिखाना था लेकिन दिखा नहीं सकते जी, कुछ बन भी रहा है, कुछ शायद बन रहा है, पता नहीं क्या मामू लोग कुछ बना रहे हैं, शायद कुछ दोबारा से सही कर रहे हैं। चलें हम आपको ये वाली भैंसे भूसे दिखा दें, रुके ये किसकी भैंसे हैं, ये भैंसे हैं किसी की, पागल हो कुत्ता पड़ जाएगा, मैं नहीं जा रही। ये भैंसे हैं, मुझे बहुत डर लगता है भैंसों से, मैं ज़रा दूर ही रह रही हूँ उनसे, लेकिन ये तो अपना काम कर, ओए होए चल भाई। ये हैं जी पाथियाँ, जिसे कुछ लोग कहते हैं पाथियाँ, पैथोलॉजिस्ट नहीं कहते थे अभी, ये पाथियाँ आ गई हैं, ठीक है। इसे आपको पता है इसे क्या बनता है, इसे क्या बनता है वैसे, इसे हाँ आग जलाई जाती है, ठीक है। और ये है वैसे बुलशिट, ठीक है, बुलशिट बर्गर लोग कहते हैं इसे बुलशिट। ये भैंसे खड़ी हैं, ठीक है, और ये हम जा रहे हैं जी अपने हाथे जी, हम लोग लेके आए 50 रुपीज़, ठीक है। गांव में हमने देखना है कि 50 रुपीज़ में क्या आता है, ठीक है। ये हमने गंद फ्लूस खाना है क्योंकि अपनी यादें तो ताज़ा करनी है कि हम लोगों ने गंद खाया था, ठीक है। 50 रुपीज़ से देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। सांस चढ़ गया मुझे तो चल चल के, पता नहीं किधर का किधर लेके फिर जा रही है मुझे, किधर है दुकान बता दो, वो रही सामने दुकान। दुआ की जा रही है कि कुछ अच्छे से गंदे से पापड़ मिल जाए, ठीक है, क्योंकि खाने तो हमने ज़रूर हैं कुछ ना कुछ। ये छोटी सी दुकान है, यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। ये देखो जी काफ़ी गंद फ्लूस मिल सकता है यहाँ से, मिल बैठने का मज़ा, ठीक है जी। यदि मेरे नाना जी के घर की एक साइड है, यहाँ पे बाहर के लोग या कोई भी मतलब आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ के बातें वगैरह करते हैं। यदि हम लोगों ने पॉप्स लिए, ये मैंने इसे पूछा कैसे पॉप्स हैं, इंतहा के गंदे पॉप्स थे कि खाए भी नहीं गए और सीधा डस्टबिन में गए, बहुत ही बुरे पॉप्स थे। और ये हम लोगों ने जो चीज़ें ली थी ये मैंने आपको दिखा दी, ये सारी चीज़ें थी। ये मेरा छोटू सा कज़न खड़ा होकर झूले ले रहा है जी, मुझे बैठ के झूले नहीं लिए जाते, ये खड़ा होकर ले रहा है। थैंक यू सो मच जी मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, व्लॉग ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। कोई भी बात बुरी लगी हो तो जी सॉरी, ये मैंने आपको भैंसे दिखा दी थी, बहुत ज़्यादा भैंसे थी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, नेक्स्ट।